हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ टेक प्रोग्राम। माइंड आज की इस वीडियो में हम एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। एंकर टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, उसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। पहले हम ये थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है HREF। डिस्क्रिप्शन में क्या लगा है, स्पेसिफाई द URL एज डेस्टिनेशन वेब पेज और डिफरेंट सेक्शन ऑफ वेब पेज। मतलब कि इसमें क्या करते हैं, हम HREF में क्या करते हैं, URL डालते हैं वेबसाइट का। आप वेबसाइट का URL डाल सकते हैं, या फिर अपनी आपका कोई YouTube पेज है तो आप उसकी उसका लिंक डाल सकते हैं। HREF में आपको लिंक डालना है। URL का मतलब, और डिफरेंस दोनों सेम ही होते हैं एक तरह से। दोनों डिफरेंस का मतलब जगह का नाम, आप उसकी डिफरेंस दे रहे हैं उसका। सेकंड आता है डाउनलोड। स्पेसिफाइड डेट द टारगेट विल बी डाउनलोडेड व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द हाइपरलिंक। मतलब इसको यह समझिए, आपकी कोई वेबसाइट है, आप उसको क्या करते हैं, आप उसकी आपके कोई HTML की नोट्स हैं आपके, जाते हैं जब भी यूजर उस पर क्लिक करे वो उसके फ़ोन में या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाए और वो उसको इजीली PDF में पढ़ सके। तो इसलिए उसके लिए आप डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सिंपली कह सकते हैं कि आप जब भी किसी यूज़र को कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड का मदद से दे सकते हैं, जिससे वो इजीली पढ़ सके अपने PDF फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में जो आप देना चाहें। नेक्स्ट आता है मीडिया। मीडिया कैरी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड एट द मीडिया डिवाइस दैट लिंक डॉक्यूमेंट इज ऑप्टिमाइज फॉर। मतलब कि आप बताते हैं कि जो आपने लिंक दिया है वो किसके लिए ऑप्टिमाइज करा है। मतलब कि आप जो लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए एंड्रॉयड फ़ोन में खुलेगा, या एप्पल फ़ोन के लिए, या विंडो फ़ोन के लिए, वो आप उसको मीडिया क्वेरी में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है HREF लैंग। इसका मतलब लैंग्वेज कोड। इसका मतलब डिस्क्रिप्शन में क्या, स्पेसिफाई द लैंग्वेज ऑफ अ वेब ऑफ अ लिंक डॉक्यूमेंट। मतलब ये क्या कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिंक कराया आपने लिंक वो लिंक लिंक से, वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या तमिल में, जिसने भी जिस भी लैंग्वेज में दिया हुआ है आप उसको HREF लैंग्वेज में लिखेंगे। लैंग्वेज कोड होते हैं, जैसे कि इंग्लिश का होता है EN, दो वर्ड्स का होता है। अब इसकी हम पूरी लिस्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है टाइप, मीडिया टाइप। स्पेसिफाई द मीडिया टाइप ऑफ अ लिंक डॉक्यूमेंट। मतलब कि ये बताता है कि जो अभी आपने डॉक्यूमेंट लिंक करा है वो किस टाइप का मीडिया है, इमेज है, टेक्स्ट है, या वीडियो है, कुछ भी है जो आप बताएंगे टाइप में। इसकी एक पूरी लिस्ट है, मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, इसमें से हम डिस्कशन देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है टारगेट एट्रीब्यूट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट में देखिए क्या क्या है, वैल्यू है, ब्लैंक है, सेल्फ है, पेरेंट्स है, टॉप है, फ्रेम नेम है। अब वन बाई वन इसको देखते हैं। पहला आता है ब्लैंक, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो और टैब। मतलब देखिए एग्जाम्पल देखिए जरा, ये एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है, जब भी देखिए यूजर इस फेसबुक वाले पर क्लिक करेगा इस पर, तो क्या होगा, ये जो फेसबुक का पेज होगी, जो वेबसाइट होगी, वो उसको न्यू पेज पे खोल के देगा। मतलब जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे होंगे वो उसका न्यू पेज पे खोल के देगा जब आप उसमें ब्लैंक लगाएंगे। ठीक है, अब सेल्फ, अगर मान लीजिए आप ब्लैंक की जगह आपने सेल्फ लिखा है, तो अब क्या होगा, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम फ्रेम एज इट इट क्लिक। मतलब कि जो भी आपने यहाँ पर सेल्फ लिखा है, जो आप ब्राउजर यूज कर रहे होंगे उसके उसी पेज पे ये आपकी फेसबुक खुलेगी। और अगर आप बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखते हैं तो ये सेल्फ ही होता है। ऐसे ये पेरेंट्स, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। टॉप है, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। मतलब कि आप इसे खोलेंगे तो पूरी विंडो को कवर कर लेगा अगर टॉप लिखेंगे तो। फ्रेम नेम, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द नेम फ्रेम। ये कि आप लोग समझ में आया होगा, इसको एक बार यूज करके देखिएगा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं रेल एट्रीब्यूट। ठीक है, रेल के इतने सारे होते हैं वैल्यू, ऑथर, बुक नेम, एक्सटर्नल हेल्प, लाइसेंस, नेक्स्ट, नो फॉलो, नो रिफरेंस, नो नो ओपनर, प्रीवी, सर्च और टैग। ये सारे रेल के एट्रीब्यूट होते हैं। और मतलब ये रेल होता क्या है, देखिए, द रेल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द रिलेशन बिटवीन द करेंट डॉक्यूमेंट एंड द लिंक डॉक्यूमेंट, ओनली यूज्ड इफ द HREF एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट। मतलब ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, करेंट डॉक्यूमेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो लिंक डॉक्यूमेंट जो आपने उसको लिंक करा अपने HREF टैक्सेज में। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि ओनली यूज्ड इफ HREF एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये रेल एट्रीब्यूट लिखा आपने, देखिए रिलेशन डिफाइन करा है यहाँ पे, ये नो फॉलो रिलेशन है यहाँ पे देखिए। इसके बाद HREF टैग लिखा, HREF टैग में क्या लिखा है, लिंक डॉक्यूमेंट जो भी आपने लिंक करा है, जो वेबसाइट का आप लिंक देना चाहते हैं, यहाँ फेसबुक लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे इसके फेसबुक लिखा है, मतलब जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा फेसबुक पे, तो जो ये वेबसाइट खुल जाएगी आपकी, जो भी आपने रिलेशन डिफाइन करा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। देखिए सारे रिलेशन है और भी होते हैं, जो मेन है मैंने यहाँ बता दिए हैं आपको। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में से हमने थ्योरी पार्ट कवर करा है, अब हम वन बाय वन सभी को प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी अभी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।